हेलो दोस्तों तो मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ ब्लॉगिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल में मैंने अभी तक बहुत सारी वीडियोस बनाई और मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी अभी तक मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कवर करा कि आप लोग को मेन्यू में अपनी कैटेगरी को कैसे एड करना है आप लोग जो होम स्क्रीन में देखते हो आपने अगर, अगर अपनी वेबसाइट में इतना सब किया होगा या पबजी ट्रिक्स डॉट इन में जाकर देखा होगा तो आपको पता चला होगा की वहाँ पर मेन्यू वाले सेक्शन में सारी कैटेगरी शो हो रही होगी आप उसे डेस्कटॉप में करके

ये सारे पेजेस होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट को चेक करता है तो चलो यार चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये पेजेस वगैरह सारे बनेंगे उससे पहले एक बात कहनी थी कि, कि कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि होस्टिंग बहुत ज्यादा महंगी है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो देखो मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था की आप हो मैंने अगर होस्टिंगर का एग्जाम्पल दे दिया है तो वहां से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है मैंने आपसे कहा था जहाँ आपको सबसे सस्ती दिखे कहा से ले लो थोड़ी सी रिसर्च करो यूट्यूब पे सर्च करो गूगल पे सर्च करो कहा से आपको सस्ती होस्टिंग मिल रही है तो थोड़ा तो काम किया करो यार आप कमेंट में बोल रहे हो की होस्टिंग बहुत महंगी है मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ भाई तो मैं कोई अमीर रईस ज्यादा नहीं हूँ मैं भी जमीन से जुड़ा हूँ और जमीन से ही उठ के यहाँ आया हूँ मैं आपके साथ जो ऐसे आपको सिखा पा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल जमीन लेवल से जुड़ा हूँ तभी ऐसे सिखा पा रहा हूँ नहीं मेरे अंदर बहुत एटीट्यू ड्यूड होता और बहुत सारी ऐसी बातें मैं बोलता जो आप लोग को हर्ट करती लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी सौ रुपए मंथली का प्लान लेके और वो होस्टिंग होस्टिंग मैंने ली थी बिग 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 रॉक 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 से से अब अब तुम लोग का नाम सुन के मत चले जाना कि आप बिग से ही ले लेनी चाहिए तो वो ऐसा कुछ नहीं है मैं बस बता रहा हूँ तो मेरा आपसे बस इतना ही कहना था की आप बहुत ज्यादा महंगे पे मत जाओ बहुत सस्ते से स्टार्ट करो मैंने क्या कहा था सौ रुपए मंथली की अगर होस्टिंग लोगे तो तीन महीने के तीन सौ रुपए हो गए और आपका डोमेन का जो भी दो तीन सौ खर्चा आया वो बस इतना ही ना तो यार कम से कम तीन तीन छह सात सौ रूपए तुम्हे लगेंगे तीन महीने का तुम्हारा एडसेंस अप्रूव हो जाएगा इतने टाइम में वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा कोई भी चीज करने से पहले उस पर थोड़ी रिसर्च करी जाती है मैंने जो बोल दिया आप उसी पे मत जाओ होस्टिंग मैंने बताया की जहाँ सस्ती मिले थोड़ा सा रिसर्च करो अब मैं अगर पर्टिकुलर होस्टिंग के नाम ले दूंगा तो फिर ये हो जाएगा की ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ इसलिए मैं वो सब भी नहीं कर रहा तो आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करो बाकी और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो इंस्टाग्राम में पूछो सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है तो चलो अभी चलते हैं स्क्रीन में और आपको सिखाते हैं आगे का प्रोसेस तो सबसे पहला काम क्रोम ब्राउजर में आ जाना है उसके बाद हम लोग को क्या करना है गूगल में वही अपना काम पबजी ट्रिक्स डॉट इन फिर स्लास डब्ल्यू पी एडमिन डबलू पी एडमिन के बाद यहाँ से भैया यह लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद यहाँ आ जाओ अब हम लोगों को यहाँ पर एक पेज बनाना होता है कॉन्टेक्ट अस का तो कॉन्टेक्ट वाला जो पेज बनाना है उसके लिए लग इन की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम लोग प्लगन को इंस्टॉल करेंगे आप पग इन पे आ जाओ और यहाँ एड न्यू वाले बटन पर क्लिक कर दो एड न्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओ सर्च करो कॉन्टेक्ट फॉर्म ये देखो आ गया कॉन्टेक्ट फॉर्म सेवन इसको इंस्टॉल कर लो इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर दो यहाँ आपका भी इतना काम हो गया ये देखो इनेबल हो गया अब क्या करना है हम लोगों को यहां सेटिंग में जाना है ठीक है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म पे यहाँ एरो पे क्लिक करो देखो ये मेरे टचेस देखते हैं जाना एरो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो जहाँ पर ये लिखा हुआ शॉर्ट कोड और यहाँ आ जाएगा बस इसको यहाँ से कॉपी वाली बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लो और अब यहाँ ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करो अब पेजेस पे आओ ऑल पेजेस ये है इसके नीचे एड न्यू पर क्लिक करो ये जो भी आया इसको नेक्स्ट कर दो उसके बाद यहाँ पर इसको एक टाइटल दे दो कॉन्टेक्ट फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना और इसको क्या करना है

में डाल देना ये जो भैया ऑटोमेटिक जो आ गए हैं इनको निपटा देना है हम लोगों ने ये कॉन्टेक्ट बनाया था ये अपना बना रहेगा बाकी सब निपटा दो अब बनाएंगे हम लोग अबाउट पेज ठीक है तो अब जाना क्या करना है, है। यहाँ पर फिर आपको अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है आप लोग ये एग्जाम्पल देख रहे हो कि मैंने ये देखो अबाउट आपके सामने एक एग्जाम्पल खोल के रखा है ये वाला देखो अबाउट ठीक है मैंने यहाँ पर देखो सारी चीजें लिख के दिखे वेलकम टू ये ये फलाना ठिकाना आर्टिकल फाउंडेड इन 2020 हजार बीस बाय सौरभ कुशवाहा ये सारी चीजें और नीचे अपना ईमेल दे रखा है सिंसियरली बाई तो ऐसा कुछ आपको अपने अबाउट अस में लिखना है ठीक है मैं यही कॉपी करके पेश कर देता हूँ तो आप लोग अबाउट अस का समझ गया ना आपको अबाउट अस में अपने बारे में लिखना है अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना है की ये मेरी वेबसाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है और किसके द्वारा बनाई गई है तो आपके द्वारा यहाँ पे मैं अपना सिर्फ नाम लिख देता हूँ ठीक है और इसको भी यहाँ से आपको क्या करना पब्लिश इसको भी लाओ व्यू पेज आपको करा देते हैं देखो व्यू पेज में अबाउट अस बन गया आपका फिर से अबाउट अस बन गया अस बन गया आप बनाना प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर तो यहां क्लिक करो और यहाँ सर्च करो और यहाँ पर लिखो प्राइवेसी पॉलिसी ये जो सारे पेजेस हैं इनको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये मत सोचना कि अगर नहीं बनाओगे तो भी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी बाद में वेबसाइट अप्रूव ना हो तो मेरे पास रोने मत आना ठीक है तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिख देना है उसके बाद आपको क्या करना है एक न्यू टैब खोलना है ठीक है एक न्यू टैब खोलना है और न्यू टैब में सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर ये देखो ये आ गया है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर सर्च करना है और ये वाला जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है ये वाला जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्पेक्ट क्लिक करो के बाद अपनी वेबसाइट का नाम लिखो जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है तो यहाँ पर जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है पबजी ट्रिक्स पेज देंगे वेबसाइट का का नाम नाम पर मेरी कंपनी का नाम हो गया और वही मेरी वेबसाइट का नाम देना है ठीक है पबजी ट्रिक्स हो गया अब आपको क्या करना है अपनी वेबसाइट का यू आर एल देना तो दोगे यू आर एल यहाँ आओगे इस पर क्लिक करोगे और इतना यू आर एल कॉपी कर लो डॉट इन तक का यहाँ पर जहाँ वेबसाइट यू आर एल दिख रहा है यहाँ पर आके अपना ये वाला यू आर एल को पेस्ट कर दो यू आर एल पेस्ट हो गया अब न क्स्ट कर दो और यहाँ पर क्या करना है डू यू यूज कुकी ऑन योर वेबसाइट यस डू यू एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट हम लोग गूगल एडसेंस के थ्रू अपनी वेबसाइट पर चलाएंगे किसी भी थर्ड पार्टी और वो पूछ रहा है गूगल गूगल एडसेंस एडसेंस के Google AdSense के थ्रू अलावा भी कहीं से आप एड चलाओगे तो इसमें नो करना है इसमें यस नहीं करना है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका तो इसमें नो करने के बाद आगे आ, आ जाओ फिर यहाँ से आकर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लो तो जो भी आपकी कंट्री है वो आप कंट्री सेलेक्ट कर लो मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा यहाँ कंट्री में आप लोग मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रहा है उसके बाद आओ यहाँ पर भैया अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लो जो भी आपका स्टेट है आप वो सिलेक्ट करो मैंने अपना उत्तर प्रदेश करा उसके बाद यहाँ आपको ई एंटर कर देना है तो जो ई मेल आपने जो भी आपका ऑफिशियल या बिजनेस एंटर कर दो तो मैं यहाँ पर सपोर्ट एट द रेट पबजी ट्रिक्स डॉट इन यहाँ पर देखो मैंने डाल दिया अपना ईमेल एड्रेस अब यहाँ पर जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर दो और ये लो आपका प्राइवेसी पॉलिसी बन के आ गया ठीक है अब आपको क्या करना है ये देखो ये कॉपी का दिखा रहा है कॉपी टू क्लिप बोर्ड दिखा रहा है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू योर प्राइवेसी पॉलिसी दिखा रहा है तो बस भैया यही से कॉपी कर लो यहाँ से क्या करना है यहाँ से स्टार्टिंग से करना नीचे तक चले आना स्क्रॉल करते हुए ऐसा स्क्रॉल करके पूरा सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ कॉपी वाला आएगा बटन यहाँ कॉपी कर देना है उसके बाद क्या करना है अपने प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो पेज यहाँ पर हम लोगों ने बना रहे थे वहां पर आके इसको क्या करना है पेस कर देना है और पेस्ट करने के बाद एक काम और करना है देखो ये वाला यहाँ पर एक लाइन आएगी ये जो लाइन है आप लोग को हाईलाइट कर देते हैं ये वाली जो लाइन है ये वाली जो लाइन ने इसको ढूंढ के डिलीट कर देना कॉन्सेंट के ऊपर कॉन्सेंट के ऊपर आपको ये वाली लाइन दिखेगी तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर देना ये इसलिए क्योंकि ये वेबसाइट बताती है की भैया ये यहाँ बना है लेकिन हम लोग को ये सब नहीं बताना हमें अपना काम निकालना है ठीक है अब क्या करना है प्राइवेसी पॉलिसी बन गया इसको भी पब्लिश कर दो फिर से आ जाओ ऑल पेजेस में ऑल पेजेस में आने के बाद फिर से न्यू पर क्लिक करो और न्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बनाओ डिस्कलेमर पेज की जो है वो है डिस्कलेमर तो डिस्कलेमर डाल दो उसके बाद क्या फिर से नई टैब में आओ अब यहाँ पर सर्च करो

ऐसा करके उसके बाद यहाँ इसको नेक्स्ट कर दो नेक्स्ट करने के बाद आपकी कंट्री जो भी है वो कंट्री सेलेक्ट कर लो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा आप जहाँ से भी हो आप वो सिलेक्ट कर लो अब आप स्टेट को सिलेक्ट करो उसके बाद यहाँ पर आपको ई एड्रेस डाल देना है मैंने आपको बताया था की मैंने अपना ई एड्रेस जो भी था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये मेरा प्रोफेशनल ई एड्रेस है बिजनेस ई एड्रेस है तो बिजनेस ई एड्रेस कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम लोग आगे वीडियोज में सीखेंगे तो अभी क्या करना है आपको यहाँ पर जनरेट डिस्क्रीमर पर क्लिक कर देना है फिर से वही लोडिंग होगी और फिर से आप लोग को यहाँ पर नीचे आना पर देखो प्रीव्यू डिस्क्लेमर दिख रहा है और इसमें भी वही काम करना है आपको यहाँ से ऐसे करके इसको, कर कर इसको पेज पे और डालते ही ऊपर यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को फिर से मिल जाएगा अवर डिस्क्लेमर वॉज जनरेटर विद द हेल्प ऑफ फ्री डिस्क्लेमर जनरेटर तो आपको ये वाली लाइन डिलीट कर देनी है हमें इसका कोई काम नहीं है हमें किसी का कोई प्रमोशन नहीं करना अपनी वेबसाइट पे तो आपने यहाँ पे कर दिया

विजिट करना तो ओपन एंड न्यू टैब करते हैं और अपनी वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर प्रिव्यू करते हैं ठीक है अब अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आ गए हम लोग यहाँ पर देखो आप लोग की ये मेन्यू दिख रहे थे लेकिन अभी हम लोगों ने जो पेजेस बनाए हैं वो कहीं नहीं दिख रहे हैं देखो होम पेज में कहीं दिख रहे हैं लेकिन गूगल एडसेंस के मुताबिक जो आपके पेजेस होते हैं वो आपके होम पेज पर दिखने चाहिए तो अभी हम लोग एड करेंगे वो सारे डेस्कटॉप मोड में भी देख लो कहीं पे भी दिख रहे हो अगर तो यहाँ हम लोग की देखो ये कैटेगरी कितनी सही लग रही है यहाँ पे लग गई है तो ऐसे ही आपके में भी बहुत बढ़िया दिख रहा होगा तो यार आप लोग पहले सबसे पहले ये बताओ कि इस ब्लॉगिंग की सीरीज में तुम लोग को मजा मेरे साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है मतलब मैं जितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ तुम लोग को सिखाने में क्या तुम्हें उतना वो करने में मजा आ रहा है तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है अच्छा लग रहा है तुम लोग को नई नई चीजें सिखा रहा हूँ लेकिन चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होंगी क्योंकि अब तुम बेसिक से प्रो लेवल पे जाओगे तो जैसे जैसे क्लासेस इंक्रीज होंगी वैसे वैसे थोड़े से सब्जेक्ट टफ होते जाएंगे जैसा हमेशा होता है ये लाइफ का साइकिल है जो हमेशा चलेगा तो अभी क्या करना है कि अभी आपको अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है जो दो टाइम में ओपन कर लेना है क्योंकि आपको वो लाइव प्रिव्यू भी देखना है क्योंकि अब हम लोगों ने जो पेजेस बनाए हैं उनको हम लोगों को फुटर में एड करना है फुटर क्या होता है फुटर होता है ये नीचे वाला पार्ट जहाँ पर ये लिखा है पबजी ट्रिक्स विथ बिल्ड विथ जनरेट प्रेस इसको भी हटाएंगे अभी हम लोग यहाँ ये जो ऊपर होता है जहाँ लिखा है पबजी ट्रिक्स और यहाँ जहाँ आपके सारे कैटेगरी दिख रहे हैं जहाँ आपके ये सारे कैटेगरी दिख रहे हैं ये होता है आपका हेडर तो अब मैं अगर हेडर फोटर बोल तो समझ जाना तो अभी क्या करने वाले हम लोग फुटर में अपने क्या करना है यहाँ पर, 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 यह पर क्लिक करो और फिर देखो ये आप लोग ना डेस्कटॉप मोड में करना तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि अगर आपने नॉर्मल मोड में करा तो शायद कस्टमाइजेशन हो भी ना तो चलो मोबाइल में भी वैसा ही दिख रहा है जैसा लैपटॉप में दिखता है अभी क्या करने वाले हम लोग ये देखो नीचे देखो यहाँ पर लिखा है पबजी ट्रिक्स बिल्ट विद जनरेट प्रेस तो यहाँ पे क्या करना है इस पेंसिल पे क्लिक करो ठीक है पेंसिल पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर लिखना है 2022 जब, जब से भी आपकी ये वेबसाइट शुरू हुई है और यहाँ लिखो पबजी ट्रिक्स डॉट इन फिर यहाँ पर डैश लगाओ डैश लगाने के बाद दिख रहा है ना सब लोगो फिर यहाँ लिखो ऑल राइट रिजर्व ये देखो ये देखो नीचे डायरेक्ट वही अपडेट हो गया जो हम लोगो ने करा है तो बहुत आसान है बहुत मुश्किल काम नहीं है कुछ भी सब आसान है यहाँ पर जो मैं सिखा रहा हूँ अब इसको यहाँ पर पब्लिक कर दो जो भी चेंजेस करते जाएंगे उनको पब्लिश करते जाएंगे अब आपको इतना करने के बाद यहाँ पर देखो सबसे बाहर होम पे आ जाना यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर बैक करते हुए आ जाना उसके बाद यहां पर देखो साइट आइडेंटिटी लेआउट और सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर आपको बैक आने के बाद अब चलेंगे हम लोग लेआउट में लेआउट के बाद अब आना है सब कुछ आपको सबसे बाद सबसे नीचे फुटर पे फुटर में आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर फुटर विजिट दिख रहा है आपको यहाँ पर आपको तीन सेलेक्ट कर लेना है ठीक है तीन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ बैक आ जाना है और बैक आने के बाद अभी हम लोगों को पेजेस होम पेज में ऐड करने थे ना अब यहाँ पर देखो विजिट्स का ऑप्शन ये जो ये विजिट्स का ऑप्शन है ये वाला आपको इस पे क्लिक करना है ठीक है अब जब आप विजिट्स में आओगे तो यहाँ पर ये इसका एक ग्लिच है जिसके वजह से ये पांच दिखाता है अभी हम लोग जैसे अपडेट करेंगे ये वापस से तीन हो जाएगा तो पहले फुटर विजिट पे क्लिक करो और इसको गॉटेड करो अब यहाँ पे क्या करो यहाँ पर एड ब्लॉक पर क्लिक करो और एक हेडिंग को एड करो और हेडिंग में क्या लिखना है अबाउटस हेडिंग में अबाउटस लिख दिया उसके बाद आपको प्लस आइकन में क्लिक करना है और यहाँ से एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है ठीक है और इस पैराग्राफ में आपको जो आपने अबाउट में अपने लिखा है उसका छोटा फॉर्म की दिस वेबसाइट इज फाउंड बाई ये ये फलान रिखाना मैं अपना नाम लिख देता हूँ आप लोग वो सब लिख देना अपने बारे में लिखना है जैसे आप अपने यूट्यूब में अपने अपना अबाउट लिखते हैं कि आप लोग क्या हैं क्या करते हैं वो सारा यहाँ पर लिखना है ठीक है अब उसके बाद आपको से बैक हो जाना है अब आप लोग देखते जाओ नीचे यहां देखो ये ये चीज देखो यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई है इसका कलर जो अभी है वो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग दिख रहा है तो यहां पर उसके बाद फुटर आ जाता है तो चलो पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं बाद में आपको आगे बताते हैं तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर आ जाना है कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखो फुटर विजिट दिख रहा है ये 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 चीज जो फुटर विजिट आपको इस पर क्लिक कर देना है ठीक है फुटर विजिट का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है जिसकी

ब्लैक अब देखो के नीचे हम लोग को ब्लैक दिखने लगा ठीक है ऐसे ही हम लोग लिंक पे करेंगे लिंक हमारा व्हाइट कलर का है इसका भी कलर चेंज कर दो लिंक जो है उनको थोड़ा सा ब्लूइश रखना जिससे कि वो हाईलाइट हो सके अभी क्या है इतना चेंज हो गया अब आप आ जाओ वापस यहाँ पर और यहाँ विजिट्स वाले ऑप्शन में फिर से जाओ पहला फुटर मैंने बता दिया था कि फुटर में पहला विजिट क्या लगेगा उसके बाद यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर हेडिंग पर क्लिक करो हेडिंग हेडिंग ऐड करो में लिखो क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स लिंक लिखने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर पूरी कैटेगरी एड कर देनी तो यहाँ पर सर्च में क्लिक करो और यहाँ कैटेगरी लिस्ट सर्च कर दो ठीक है आपने जो भी कैटेगरीज बनाई होंगी वो सारी यहाँ पर क्विक लिंक्स में आ जाएंगी देखो यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखो क्विक लिंक्स करके एक एड हो गया है तो इसमें सारी एड हो जाएंगी उसके बाद आपको फिर से बैक आ

आपको बताऊंगा कि सर्च कंसोल कैसे बनाना है एनालिटिक्स कैसे बनाना है और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट कैसे लिखना है पहले मैं कल आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते करते हैं तो तो ये सारी चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगा तो आज आपने इतना सीखा वेबसाइट में धीरे धीरे हम लोग चेंजेस चलेंगे नहीं अगर एक ही दिन में मैं सब बता दूंगा तो आप लोग के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आप लोग नहीं कर पाओगे तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ की आपको ये वाला ट्यूटोरियल समझ में आया होगा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कैसे सारे पेजेस को क्रिएट करा मैंने कैसे आपको पे सारे चीजों को एड है तो ये सारी चीजें आप समझ गए तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो मैं नहीं चाहता हूँ की कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिस करो तो आपसे फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद अपना ख्याल रखिए और ब्लॉगिंग में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपना करियर बनाते रहिए